सफलता का सबसे बड़ा विटनेस, सबसे बड़ा गवाह। तो इसके लिए एक बार फिर से आप सब पार्टिसिपेंट का इस मॉर्निंग सेशन में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे मैडनेस, द विटनेस ऑफ सक्सेस। तो इस सेशन को हम आइए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने के साथ साथ मैं आपसे पूछना चाहूंगा एक सवाल, आप रिप्लाई कर सकते हैं। और सवाल क्या है? सवाल है, व्हाट इज द सक्सेस टू यू, यानी आपके लिए सफलता क्या है, आपके लिए सफलता के मायने क्या है। अगर आप इस सेशन में हैं तो आप रिप्लाई कर सकते हैं कि आपके लिए सफलता के मायने क्या है, व्हाट इज सक्सेस टू यू। अगर आपको ये समझना है कि मुझे सफलता मिली है, तो वो सफलता आपको कब मिलेगी, कब आप ये मानेंगे कि आप सफल हो चुके हैं, व्हाट इज सक्सेस टू यू। गोल को अचीव करना ये सफलता बिल्कुल होता है, लेकिन सबका जो क्राइटेरिया है ना, सबका इसका जो पैमाना है वो अलग अलग है। किसी के लिए गोल हेल्थ है, किसी के लिए पैसा है, किसी के लिए हैप्पीनेस है, किसी के लिए कुछ है। सबका हमारा जो पैरामीटर्स है, पैमाना है, वो अलग अलग होता है। लेकिन अगर पैरामीटर्स है तो पैरामीटर्स है उसको अचीव करने के लिए आज हम बात करेंगे आपको क्या चीजें चाहिए। तो जिंदगी में हर कोई सफल होना चाहता है, एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी सक्सेसफुल। लेकिन सफल होने के लिए जो काम करने चाहिए, जो एक्शन चाहिए, वो हर कोई नहीं ले पाता, इसलिए सबको कामयाबी नहीं मिलती। तो सक्सेस अगर आपको पानी है, आपको अगर सफल होना है जिंदगी में, आपको कहलाना है सफल, टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ, आपको क्या करना पड़ेगा जिससे आपको मिले सफलता। तो सफलता अगर पानी है, तो एक अगर हम बात करें सफलता को, तो हम कह सकते हैं सफलता क्या है, सफलता है एक रिजल्ट, सफलता है एक परिणाम। और अगर परिणाम हासिल करना है तो सफल होने के लिए क्या चाहिए, टू थिंग्स आर नेसेसरी फॉर सक्सेस इन लाइफ, यानी जिंदगी में कामयाब होने के लिए दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें सबसे पहला है हमारा पर्पस, यानी कि हमारा गोल, और दूसरा है ए टच ऑफ मैडनेस। अगर आपके पास आपका अपना कोई गोल है, उस गोल के साथ अगर आप ऐड कर दें, आप डाल दें अपना मैडनेस, अपना जुनून, अपना पागलपन, और आप उस पागलपन से, उस मैडनेस से अगर आप संकी होके काम करते हैं, तो आपका जो गोल है डेफिनेटली वो अचीव होगा। तो अगर हम बात करें सफलता का, रिजल्ट का, तो इस सफलता का जो गवाह बनेगा, अगर कोई भी इंसान जो दुनिया में सफल हुआ है या होगा, उसकी सफलता का जो सबसे बड़ा गवाह है वो क्या है, वो है मैडनेस, उसकी काम को लेके पागलपन, काम को लेके उसका जोश, जुनून, उत्साह, उसका डेडिकेशन होता है उसकी सफलता का राज। और इसी को आज हम जानेंगे क्या है वो सफल होने के पीछे का सीक्रेट, क्या है उसका विटनेस, क्या उसका गवाह। तो अगर बात करें हम सफल होने का, तो किसी भी फील्ड में सफल होने के लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, बिकॉज एक्शन टेकर आर मनी मेकर। और अगर बात करें हम सबके जो गोल्स हैं, कहीं ना कहीं वो जुड़े हैं पैसे के साथ, मनी के साथ। तो अगर पैसा कमाना है, तो पैसे कमाने के लिए वी हैव टू टेक एक्शन, एंड दैट्स व्हाई एक्शन टेकर आर मनी मेकर। जो काम करते हैं वो पैसा कमाते हैं और अपने गोल को अचीव कर लेते हैं। लेकिन अगर हम बात करें काम का, अगर काम के अंदर हम ऐड कर दें अपना मैडनेस, अपना पागलपन, अपनी सनक, तो हमारे जो एक्शन है, हमारे जो काम है, वो और बेहतर और शानदार हो सकते हैं। और इसी को हम बोलते हैं मैडनेस, या कहें मैड। आप देखें यहाँ पे मैड लिखा है, MAD, मैड। मैड मतलब पागल नहीं, मैड मतलब मैसिव एक्शन डेली, यानी मैडनेस क्या है, मैडनेस मतलब मैसिव एक्शन डेली, मैसिव एक्शन डेली। हर रोज लगातार निरंतरता के साथ आप एक्शन लेते रहें, काम करते रहें, और कोई आपको क्या बोलता है, क्या आपके बारे में सोचता है, ये सब सोचे बगैर अगर आप रखें अपने एक्शन को, काम को कंटिन्यू लगातार, तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा और 100% आपको मिलेगी कामयाबी। तो मैडनेस मतलब मैसिव एक्शन डेली,
डेली, अगर होना है कामयाब तो कामयाब होने के लिए हर रोज काम करना पड़ेगा। हर रोज काम करेंगे तो जो हमारी प्रोग्रेस है, हमारी उन्नति है, वो बेहतर होगी और उससे हम अपने गोल तक आसानी से पहुंच पाएंगे। तो बहुत सिंपल सी बात यह है कि हमें पागल नहीं बनना है, हमें बनना है मैसिव एक्शन लेने वाला लीडर, मैसिव एक्शन लेने वाला डिस्ट्रीब्यूटर, ताकि जब हमारे काम में आएगी निरंतरता, हम हर रोज काम करेंगे अपने गोल के लिए तो हर कोई या हर चीज हमारे फेवर में जाएगी। लेकिन अगर हमारे काम में निरंतरता नहीं होगी, हमारे एक्शन लगातार नहीं होंगे, तो हमें परिणाम नहीं मिलेगा। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप रिप्लाई कर सकते हैं। कामयाब होने का जो सीक्रेट है वो है मैसिव एक्शन डेली। हर दिन जोरदार लगातार हम काम करेंगे तो उस लगातार के जोरदार काम से मिलेगा हमें बेहतरीन परिणाम और हमारे गोल अचीव हो पाएंगे। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और अगर बात करें सफलता का और मैडनेस का, तो अरस्तु जो एक बहुत ही महान फिलोसफर्स हैं, उन्होंने कहा था क्या, नो ग्रेट माइंड हैज एवर एग्जिस्टेड विदाउट ए टच ऑफ मैडनेस। यानी जिस इंसान के अंदर सनक नहीं है, कुछ पाने की लालसा नहीं है, उसके लिए वो काम नहीं कर सकता, वो इंसान कभी महान नहीं बन सकता। अगर महान बनना है, बड़ा बनना है, कामयाब होना है, सफल होना है, तो उसके लिए हमारे काम में दिखना चाहिए एक सनक, एक पागलपन। अगर हमारे एक्शन शानदार नहीं है ना, तो शानदार परिणाम नहीं मिलेगा। तो सफल होने के लिए वी हैव टू टेक मैसिव एक्शन डेली। और इसी को अगर हम थोड़ा सा आगे समझें, जाने अगर बात की जाए सक्सेस का, हर सफल इंसान जो भी इस दुनिया में किसी प्रोफेशन में सफल है, दुनिया में कोई भी इंसान जो सफल है, उसके सफल होने का जो कारण है, रीजन है, वो क्या है, पीपल हु आर क्रेजी इनफ टू थिंक दे कैन चेंज द वर्ल्ड आर द वन हु डू। यानी जो भी इंसान दुनिया में महान बना है, सफल हुआ है, वो कौन है, वो लोग जिनको लगता है, जिनको अपने पर विश्वास होता है कि हम, हमारे अंदर वो पागलपन है, वो क्रेजीनेस है, वो हमारे एक्शन में कंटिन्यूटी है कि हम अपने एक्शन से बदल देंगे दुनिया को और अपने परिणाम को, वो पहुंचते हैं सफलता के शिखर पर। अगर तो अगर कामयाब होना है तो कामयाब होने के लिए हमारे एक्शन में दिखना चाहिए वो मैडनेस, वो क्रेजीनेस, ताकि हमें मिले शानदार बेहतरीन परिणाम। तो अगर बात की जाए, वन सिम्टम दैट यू आर गोइंग टू सक्सेसफुल इज व्हेन पीपल स्टार्ट कॉलिंग यू क्रेजी। आपने बहुत बार सुना होगा कि जब लोग आपको ये बोलना शुरू कर दें कि आप पागल हो गए, आप पगला गए हैं, तो वो क्या है, वो कहीं ना कहीं एक सिम्टम है, एक लक्षण है जो दिखाता है कि आप सही रास्ते पे बढ़ रहे हैं। क्योंकि जब भी आप कुछ लीड से अटके करेंगे तो लोग आपके बारे में कुछ ना कुछ बोलेंगे, और जब वो बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, जब आपके एक्शन में बदलाव आएंगे, आपका व्यवहार बदलेगा गोल के लिए, तो लोग बोलेंगे कि आप बदल गए हैं, और ये आपको जो बदलाव है ना, ये शायद उनको पसंद नहीं आता, दैट्स व्हाई दे से कि आप चेंज हो गए। लेकिन अगर हमें अपनी लाइफ को चेंज करना है, अपने परिणाम को बदलना है, तो हमें खुद को बदलना पड़ेगा और अपने काम में लाना पड़ेगा मैडनेस या क्रेजीनेस। तो लोग अगर बोले कि आप पागल हो गए हैं, आप पगला गए हैं, तो मतलब आप सही दिशा में, सही रास्ते पे हैं, और उस रास्ते पे चल के आपको मिलेगा बेहतरीन रिजल्ट, बेहतरीन परिणाम, और आपके गोल अचीव हो पाएंगे। लेकिन उसके लिए व्हाट वी नीड क्रेजीनेस, वी नीड सब मैडनेस। और अगर बात करें सफल होने के पीछे जो मैडनेस का रूल है, उसको समझते हैं कुछ स्टोरीज के माध्यम से। आप सबको पता है राइट ब्रदर्स के बारे में, जब उन्होंने दुनिया को ये अनाउंस किया, ये बोला कि वो बनाने वाले हैं एक फ्लाइंग मशीन, यानी एक ऐसी मशीन का आविष्कार करने वाले हैं जिसमें बैठ के इंसान उड़ेगा पक्षियों की तरह, तो लोगों को लगा कि ये दोनों भाई पागल हो गए, ये दोनों पगला गए हैं। लेकिन जब लोगों ने बोला कि आप पागल हो गए हैं, तो उनको लगा दैट वी आर ऑन ए राइट ट्रैक, और वो उन्होंने लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया, लोग हमारे बारे में क्या बोलेंगे, उन्होंने इसके बारे में नहीं सोचा। दे कीप देयर फोकस ऑन देयर वर्क, वो अपने काम में लगे रहे,
लगे रहे मैडनेस के साथ, कंसिस्टेंटली वो कुछ नया आविष्कार करते रहे और अल्टीमेटली उन्होंने डिस्कवर किया एरोप्लेन का। तो जब कामयाब होने के लिए आप काम करते हैं तो लोग आपका विरोध करेंगे, आपको बोलेंगे आप पागल हो गए, लेकिन अगर आप उनकी बातों में आ गए और एक्शन को आपने स्टॉप कर दिया, रोक दिया, तो कामयाबी नहीं मिलेगी। कामयाब होना है तो लगातार एक्शन लेना पड़ेगा। मैडनेस इज द विटनेस ऑफ सक्सेस। पागलपन होगा, सनक होगी, तो वो देगी हमारी सफलता की गवाही, जैसे दिया राइट ब्रदर्स के लिए। उसी प्रकार अगर हम बात करें एक और शानदार स्टोरीज का, तो एक इंसान जिसका नाम था मिस्टर हेनरी फोर्ड, जिन्होंने बनाई थी पहली कार, और जब 1889 में उन्होंने दुनिया को बोला कि मैं बनाने वाला हूं एक ऐसी मशीन, एक ऐसा आविष्कार में लाने वाला हूं जिसमें इंसान ट्रेवल करेगा, यात्रा करेगा बगैर एक घोड़े के, क्योंकि पहले चलन क्या था कि अगर कहीं जाना है उसके लिए थी घोड़ा गाड़ियां, बैलगाड़ियां। तो उसने बोला कि मैं एक ऐसी मशीन का आविष्कार करने वाला हूं जिसमें बगैर घोड़े के हम कहीं भी जा पाएंगे। और जब उन्होंने ये चीज बोली तो लोगों ने बोला कि आप पागल हो गए हैं, ये संभव नहीं है, लेकिन उन्होंने उसको लिया एज ए चैलेंज और लग गए अपने आविष्कार में और इन्वेंट किया दुनिया का पहला कार, दैट इज मिस्टर हेनरी फोर्ड फॉर यू। अगर हमारे एक्शन में कंटिन्यूटी है, हमें पता है हमें क्या करना है, हमारा गोल अगर क्लियर है, तो लोग हमारे बारे में क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, दैट इज यूजलेस। हमारा फोकस होना चाहिए हमारे गोल पे, और जब फोकस होगा गोल पे उसके साथ हमारे एक्शन होंगे कंसिस्टेंट, वो होंगे लगातार, तो मिलेगी हमें कामयाबी। थर्ड स्टोरी जो बताती है कि कामयाब होने के लिए आपको चाहिए मैडनेस, पागलपन, शनक, वो क्या है, थर्ड स्टोरी विच टेल अबाउट द स्टोरी ऑफ सक्सेस वाया मैडनेस, और वो कहानी है मिस्टर मार्कोनी का, जिन्होंने डिस्कवर किया था रेडियो और वायरलेस कम्युनिकेशन। जब उन्होंने दुनिया को ये बोला कि मैं कुछ ऐसा इन्वेंट करने वाला हूं, मैं ऐसा इन्वेंट करने वाला हूं जिससे हम अपने किसी मैसेज को भेज पाएंगे बगैर किसी तार के, बगैर किसी वायर के, तो लोगों ने उनको बोला कि आप पागल हो गए, और उनको लेके गए एक साइकेट्रिस्ट के पास, एक मनोवैज्ञानिक के पास, कि आप इनका इलाज करिए, ये करते हैं पागलों जैसी बात, ये बोलते हैं कि हम मैसेज भेजेंगे वो भी बगैर किसी वायर के बिना, यानी करेंगे हम वायरलेस कम्युनिकेशन। लेकिन उनके अंदर जो पागलपन था, जो सनक थी, वो अपने काम में लगे रहे, लोगों की परवाह उन्होंने नहीं किया, और डिस्कवर किया रेडियो और वायरलेस कम्युनिकेशन, जिसका इस्तेमाल करते हैं हम आज अपने टीवी देखने के लिए, मोबाइल के लिए, लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, या जूम के लिए। ये सब पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ डिस्कवरी बाय मिस्टर मार्कोनी। तो लोग आपका विरोध करेंगे, आपको पागल भी बोलेंगे, आपके बारे में बुरा भी बोलेंगे, लेकिन अगर आप उनकी बातों में आ गए तो आपके एक्शन रिस्ट्रिक्ट होंगे, लेकिन अगर आप अपने गोल के लिए प्रति कमिटेड हैं तो आपके एक्शन बेहतर होंगे और उससे आपको मिलेगी बेहतरीन शानदार कामयाबी। इसी के साथ अगर बात करें एक और स्टोरी जो बताती है सफलता के लिए चाहिए मैडनेस, द नेक्स्ट स्टोरी विच टेल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ मैडनेस फॉर सक्सेस, वो है मिस्टर जमशेद जी टाटा। आप सब जानते हैं इनके बारे में, टाटा के फाउंडर्स रहे हैं, और जब ये एक बार जब देश हमारा गुलाम था उस समय ये गए इंग्लैंड में, और वो वहां पे जाना चाहते थे एक शानदार होटल के अंदर, तो होटल के बाहर बोर्ड लगा था इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउडेड, यानी भारतीय और कुत्तों का इस होटल में आना वर्जित है। और जब वो वहां पे घुसने चाहे तो उनको रोका गया, तब उन्होंने बोला कि तुमने मुझे अपने होटल में घुसने से रोका है, मैं अपने देश भारत जाऊंगा और बनाऊंगा ऐसा शानदार होटल कि तुम अंग्रेज लोग भी वहां आके रुकने के लिए हमेशा रहोगे तत्पर। और वो वहां से वापस आते हैं और लग जाते हैं अपने गोल में जो था ताज होटल। ताज होटल के पीछे कहानी क्या है कि कहानी यही है कि जब वो इंग्लैंड गए तो उनका अपमान हुआ, और अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने ठाना पागल पर अपने अंदर होटल बनाऊंगा कि अंग्रेज उसमें आके रुकना पसंद करेंगे और समझेंगे उसमें वो है एक बहुत बड़े इंसान। तो वो अपने एक्शन में लग गए और परिणाम क्या मिला, परिणाम मिला हमें ताज होटल, द प्राइड ऑफ इंडिया, मिस्टर जमशेद रतन जी टाटा, जिन्होंने फिर से दिखाया बताया कि अगर कोई आपको बोलता है आप
बारे में नेगेटिविटी फैलाता है, गलत बोलता है, अगर आप उसको रॉन्ग प्रूव करना चाहते तो उसको आप प्रूव करेंगे रॉन्ग बाय योर एक्शन। आप अपने काम से उसको गलत साबित कर सकते हैं, और काम भी कैसा, मैसिव एक्शन डेली विद बैडनेस आप काम करेंगे तो आप किसी को भी गलत साबित कर पाएंगे और पाएंगे सफलता को। नेक्स्ट स्टोरी जो बताती है कि सफल होने के लिए बैडनेस का होना कितना महत्वपूर्ण है, और ये कहानी है अबाउट मिस्टर कर्नल सैंडर्स जो थे KFC के फाउंडर। जब उनका उम्र हुआ 65, जब हुए 65 साल के, तो उनके पास क्या था, उनके पास था कुछ डॉलर रुपए जो मिलते थे उनको एज ए वृद्धावस्था पेंशन। और 65 साल की उम्र में उन्होंने अपने लिए एक गोल बनाया कि मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे करना है कुछ बेहतर, लेकिन अब उम्र बहुत ज्यादा है तो क्या करें। तो उनको आता था एक काम, वो काम क्या था, उनको आता था एक शानदार चिकन का रेसिपी जो उन्होंने सीखा था अपनी माँ से। उन्होंने उस रेसिपी से के हेल्प से बनाया एक चिकन और उसको लेके वो लोगों से मिलना स्टार्ट किया, और करीबन 90-91 लोगों से वो मिले, सबने उसको बोला नो नो नो, लेकिन वो डटे रहे, टिके रहे, लगातार एक्शन लेते रहे, और 92 जो पर्सन था उसने उनसे परचेज किया वो चिकन, और जब उसको उन्होंने खाया तो उनको लगा वो बहुत ही यूनिक, और उन्होंने क्या किया, उस इंसान ने रेफर किया, रिकमेंड किया कि जो चिकन है बहुत शानदार है, और वहां से शुरुआत हुआ KFC का, कर्नल फ्राइड चिकन का, जो आज पूरे वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी चेन है KFC। तो अगर कर्नल सैंडर्स जब 91 लोगों ने उनको ना बोला, अगर वो रुक जाते, एक्शन लेना बंद कर देते, तो KFC इतना बड़ा ब्रांड नहीं बनता, लेकिन वो लगातार एक्शन लेते रहे, बिकॉज उनको पता था अगर मेरे एक्शन में रहेगी कंटिन्यूटी, मैं लगातार इसको लेके लोगों से मिलता रहूंगा, तो जब लोग इसको टेस्ट करेंगे तो ये बनेगा उनके लिए एक बहुत शानदार ब्रांड जो लास्ट में बन पाया। तो कंटिन्यूटी, एक्शन में निरंतरता है सफलता का राज, और उसके लिए हमें चाहिए मैडनेस, मैसिव एक्शन डेली। नेक्स्ट स्टोरी जो बताती है क्या महत्व है हमारे मैडनेस का हमारी सफलता में, एंड दैट स्टोरी इज अबाउट मिस्टर थॉमस अल्वा एडिसन। और आप सबको मालूम है उन्होंने हजारों बार प्रयास किया बल्ब का आविष्कार करने का, उनको बार बार मिली नाकामयाबी, लेकिन वो इतने शंकी थे, इतने पागल थे अपने आविष्कार के पीछे कि उन्होंने बोला कि मैंने खोजे हैं हजारों रास्ते जिनसे बल्ब नहीं बन सकता, और खोजा है एक रास्ता जिससे बल्ब बन सकता है, एंड दैट वाज द डिस्कवरी ऑफ बल्ब। तो जब आपको असफलता मिलती है काम करते समय, उससे अगर आप प्रभावित हो जाएंगे तो आपके एक्शन रुकेंगे, और एक्शन रुकेंगे तो परिणाम भी नहीं मिलेगा। फेलियर या नो इज पार्ट ऑफ जर्नी, उसको एक्सेप्ट करिए, स्वीकार करिए, और लगातार लगे रहिए अपने काम में, हैव मैसिव एक्शन डेली ताकि मिले आपको कामयाबी। नेक्स्ट स्टोरी जो बताती है इंपोर्टेंस ऑफ मैडनेस फॉर सक्सेस, ये कहानी है एक महिला की जिसका नाम है विल्मा रुडोल्फ, जो थी USA की, और इसको बचपन में बहुत सारी बीमारियां होगी, उसमें एक मेन बीमारी थी पोलियो। तो जब इसको पोलियो हुआ तो डॉक्टर ने बोला कि आप कभी ढंग से नहीं चल पाएंगी, लेकिन ये लड़की इतनी पागल थी, इतनी शंकी थी, किसने बोला कि मैं चलूंगी नहीं, मैं बनूंगी दुनिया की सबसे तेज धावक, और इस गोल के साथ उन्होंने प्रयास करना, एक्शन लेना, प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, और 1956 और 1960 के ओलंपिक में इन्होंने जीते 3 गोल्ड मेडल, यानी जिसके बारे में बोला गया कि आप ढंग से चल नहीं पाएंगी, उसने अपनी मैडनेस से, अपने एक्शन से, अपनी निरंतरता से जीते देश के लिए 3 गोल्ड मेडल इन ट्रैक एंड फील्ड इवेंट। तो इसके लिए ये दिखाता है कि हमारे अंदर जो ड्रॉबैक्स हैं, जो कमियां हैं, उनका वो कमियां हमें नहीं रोक सकती। अगर हम सही में कामयाब होना चाहते हैं तो हम अपने एक्शन से, अपनी निरंतरता से, अपनी प्रैक्टिस से बना सकते हैं अपनी कमियों को अपनी ताकत। अगर हमें बोलना नहीं आता, प्लान दिखाना नहीं आता, डेमो करना नहीं आता, लोगों से बात करना नहीं आता, अगर ये कमियां है ना, तो इनको आप बना सकते हैं अपनी सबसे बड़ी ताकत। कैसे, लगातार प्रैक्टिस 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 करके आप उनको बनाएंगे अपनी ताकत और मिलेगी आपको कामयाबी। लेकिन उसके लिए हमारे अंदर होना चाहिए टच ऑफ मैडनेस, होना चाहिए थोड़ा सा क्रेजीनेस, ताकि हम वहां तक
उस काम को करने में सफल हो सकें। नेक्स्ट स्टोरी जो बताती है रोल ऑफ मैडनेस इन सक्सेस, वह अरुणिमा सिन्हा का। इनके बारे में आप जानते होंगे कि जब ये ट्रेन से आ रही थी तो इनके चैन छीनने का प्रयास किया गया, इनको ट्रेन से बाहर फेंका गया, इनके रात भर पैर कटने बाद ट्रैक पे रही और जब इनका इलाज हुआ इनको लगी एक आर्टिफिशियल लेग। तो इन्होंने एक सपना बनाया, गोल बनाया कि मैं चढ़ूंगी दुनिया की सबसे बड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट पे, मैं क्लाइंब करूंगी। तो लोगों ने इनको बोला कि ये है आपका पागलपन, एक नॉर्मल इंसान जिसके पास दोनों पैर होते हैं वो वहां पे चढ़ नहीं पाता, तो आपका पैर तो एक नकली है, आर्टिफिशियल, आप कैसे चढ़ेंगी। लेकिन वो इतनी जुनूनी होगी, इतनी पागल होगी कि उन्होंने लोगों की बातों पे को नहीं सुना और अपने लिए सेट किया अपना गोल कि कुछ भी हो जाए मैं वहां पे चढ़ूंगी एंड रेस्ट इज द हिस्ट्री। उन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया, ये था उनका क्रेजीनेस, ये था उनका मैडनेस। तो मैडनेस होगा तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें हम मैडनेस का और सक्सेस का, तो एक बहुत क्रांतिकारी इंसान है, नाम है मिस्टर एलन मस्क। उन्होंने भी अपने लिए बनाया एक गोल, बनाया अपना एक एम्बिशन, क्या बनाया कि मैं बनाऊंगा ऐसे रॉकेट जो जाएंगे स्पेस में और वापस फिर से पृथ्वी पे लौटेंगे। आमतौर पे क्या होता है कि रॉकेट जब जाता है तो वो लौटता नहीं है, तो जब उन्होंने बोला कि मैं बनाऊंगा ऐसे रॉकेट जो आकाश में जाएंगे और वापस भी आएंगे, तो लोग उन पे हंसे, उनका मजाक उड़ाया, उनको बोला आप पागल हो गए। लेकिन वो इतने जुनूनी थे, इतने पागल थे सही में कि उन्होंने अपने आप को किया सही साबित। और ये सब उन्हें सीखा अब जस्ट बाई रीडिंग, उन्होंने कोई बड़ी डिग्री हासिल नहीं किया था, लेकिन अपने मैडनेस के कारण, अपने गोल के लिए उन्होंने लगातार एक्शन लिए, अपने आप को लगातार उस काबिल बनाया और ये चीज प्रूव करके दिखा दिया। सो मैडनेस का जो रोल है वो हमारी सफलता में बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही बड़ा है। उसके साथ अगर बात करें एक और बहुत शानदार कहानी का जो बताती है रोल ऑफ मैडनेस इन सक्सेस क्या है, तो ये कहानी है, आप सब जानते हैं युवराज सिंह। 2011 का वर्ल्ड कप जब चल रहा था ना, तो वर्ल्ड कप से पहले इनको कैंसर हो चुका था, लेकिन उन्होंने किसी को नहीं बताया कि मुझे कैंसर है। इनको लंग कैंसर था, जब वर्ल्ड कप शुरू होने वाला था तो इनका काम चलते हुए दौड़ते हुए सांस फूल जाता था, लेकिन उन्होंने इनको छुपा के रखा और जब वर्ल्ड कप खेला तो हाफते हुए, वोमिटिंग करते हुए, ब्लड का वोमिटिंग करते हुए अपने काम में, एक्शन में लगे रहे और उससे वो बने 2011 वर्ल्ड कप के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, जहां पे उन्होंने बनाए 362 रन और लिया 15 विकेट और बहुत बड़ा रोल प्ले किया इंडिया को वर्ल्ड कप जिताने में। तो एक इंसान जिसको कैंसर है, जो ठीक से दौड़ नहीं पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, अगर वो चलता है तो सांस फूल जाते हैं, वोमिटिंग होके आता है, ब्लीडिंग, उस इंसान में एक सनक थी, पागलपन था अपने देश के लिए कुछ करने का, कुछ अचीव करने का, एंड दैट ड्रीम, दैट गोल वाज विनिंग द वर्ल्ड कप फॉर इंडिया। इसके लिए वो लगे रहे और बने 2011 वर्ल्ड कप के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। तो ये बातें, स्टोरियां हमने बहुत बार सुनी है, लेकिन स्टोरियां जो मैसेज देती है, मैसेज क्या है, मैसेज इज वेरी क्लियर, मैसेज बहुत साफ है। अगर हमें कामयाब होना है, सफलता पानी है, तो सफलता पाने के लिए हमें लगातार एक्शन लेना पड़ेगा, हमारे अंदर होना चाहिए थोड़ा सा मैडनेस, पागलपन का होना जरूरी है। पागलपन मतलब मैसिव एक्शन डेली। तो अगर कामयाब होना है, सफल होना है, तो क्या करें, नॉर्मल लोग की बात की जाए तो वो क्या करेंगे, अगर उनको कामयाबी नहीं मिलेगी वो बनाएंगे बहाने, लेकिन जो लोग शंकी हैं, जो पागल हैं, वो बहाने नहीं बनाते, वो लेते हैं एक्शन, वो करते हैं काम, और जो करेगा काम उसको मिलेगी कामयाबी। अगर एक नॉर्मल इंसान के सामने कोई रुकावट आती है, कोई बाधा आती है, तो वो बहुत सारे एक्सक्यूज देने को तैयार हो जाता है, लेकिन जो भी सफल लोग हैं वो क्या करते हैं, वो ऑब्स्टेकल को फेस करते हैं, उनका सामना करते हैं और सामना करके रुकते नहीं, लगातार लेते हैं एक्शन, लगातार करते हैं काम और अपने ड्रीम को अचीव कर लेते हैं। इसलिए बोलते हैं नॉर्मल पीपल रीड हिस्ट्री, आम लोग इतिहास पढ़ते हैं और पागल लोग बनाते हैं इतिहास। नॉर्मल लोग सपने देखते हैं और पागल लोग सपने पूरे करने के लिए लगातार निरंतरता के साथ हर दिन करते हैं
कामयाब। तो किवे इंडस्ट्रीज में अगर आपको कामयाब होना है, सफल होना है, अपने गोल को अचीव करना है, उसके क्या करना पड़ेगा, उसके लिए लेना पड़ेगा हमें मैसिव एक्शन डेली। अगर हमारे काम में रहेगा कंसिस्टेंसी, निरंतरता, तो वो दिलाएगी हमें कामयाबी। तो एक ही सार है आज के सेशन का, और वो है मैसिव एक्शन डेली। आप लेते रहिए, लोग क्या बोलते हैं, क्या उनके रिस्पॉन्स है, क्या रिजेक्शन है, क्या उनकी ना है, उसको सोचे बगैर अगर हम अपने गोल पे फोकस करके काम करते रहेंगे तो मिलेगी हमें कामयाबी, हमें मिलेगी सफलता। तो आज के सेशन में मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और उम्मीद करता हूं कि अगर आप, मैं या कोई भी इंसान लेके आएगा अपने काम में निरंतरता, पागलपन, तो हमें मिलेगा सफलता। थैंक यू वेरी मच।